नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज 360.com खबरें अलग अंदाज में। और यह हमारा खास तो बर्थडे 360। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य भारतीय राजनीति में एक चीज जो बहुत कॉमन निकल के आती है वो होती है राष्ट्रीय स्तर की पॉलिटिक्स करने के लिए अगर कोई मैदान है तो वो उत्तर प्रदेश का मैदान है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी और अब स्वयं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भी वहीं की राजनीति करते हैं, उत्तर प्रदेश से ही राजनीति करते हैं। यानी कि अगर आप राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं तो आपके लिए जो अखाड़ा है वो उचित अखाड़ा होगा उत्तर प्रदेश का। आज चर्चा आज के बर्थडे 360 में झांसी की सांसद, राष्ट्रीय स्तर के फायर ब्रांड भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती की। आज उमा भारती का जन्मदिन है। आज ही के दिन 3 मई 1959 को उनका जन्म टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था, भोपाल से थोड़ी दूर, टीकमगढ़ यहाँ की राजधानी से थोड़ी दूर, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। जब किसी राजनेता की बात होती है भारत में, भारत के किसी राजनेता की बात होती है, तो उसमें कई सारे राजनेता स्वतः खिंच के चले आते हैं। बहुत सारे राजनेता चले आते हैं, बहुत सारे दंगे चले आते हैं, बहुत सारे FIR चले आते हैं, बहुत सारे जेल के किस्से सह चले आते हैं। यानी कि अगर आप पॉलिटिकल पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत सी स्टडीज होती है, फिर भी हम इसको कंसाइज करके आपसे बात करेंगे। 23 अगस्त 2004 का वो दिन, उमा भारती को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों देना पड़ा आगे मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आदित्य सिंह न्यूज व्यूज 360.com की टीम की तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे विश करता हूं, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। यह माना जाता है कि मैं अगर उनके पॉलिटिकल करियर की बात करूं, कब शुरुआत होती है, तो विजय राजे सिंधिया, ग्वालियर घराने की रानी की उंगली पकड़ के उन्होंने राजनीति में एंट्री की, तरह से कह सकते हैं क्या उन्हीं के सहारे राजनीति में एंट्री की और पहला चुनाव लड़ी 1985 में जो हार गई। 1989 में खजुराहो सीट से दोबारा लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत जाती हैं। फिर 1991, 1996 और 1998 में ये सीट उमा भारती के पास सुरक्षित रहती है। उसके बाद आता है 1999, इस बीच कई सारे घटनाक्रम होते हैं। साध्वी के साथ राम जन्मभूमि में उमा भारती कूद जाती हैं 90 के इस दशक में और उनका नारा रहता है राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। इस नारे के साथ उमा भारती ने राम लला के एक तरह से आंदोलन में हिस्सा लिया या राम जन्मभूमि के आंदोलन में हिस्सा लिया। 1999 में वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी केंद्र का चुनाव लड़ रही थी। रामलला के ऊपर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनती है और उमा भारती भोपाल से सांसद चुन ली जाती हैं और तोहफे में उनको मिलता है क्या, केंद्र में मंत्रिमंडल में हिस्सा, यानी कि पहले युवा आयोग खेल मंत्रालय और उसके बाद कोल में कैबिनेट मंत्रालय इनको दे दिया जाता है, स्वतंत्र प्रभार, पूरी तरह से कैबिनेट मंत्री रहती है। 2003 में तक ये सफर चलता है और 2004 में भोपाल का, यानी कि माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश का चुनाव होता है। मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव उमा भारती के नेतृत्व में लड़ा जाता है और 3/4 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहां भी सरकार बना लेती है और उमा भारती मुख्यमंत्री पद के लिए निर्वाचित कर ली जाती हैं। उमा भारती को यहां पर जो है मुख्यमंत्री की ताजपोशी होती है और अगले ही साल 2004 में क्या होता है कि एक कथित रूप से एक दंगे में उनका नाम आता है, दुबरी दंगों में जो कि रामलला को लेकर ही हुआ था या राम मंदिर को लेकर ही हुआ था, उसमें इनका नाम आता है। मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए भी इनपे SIT की जो गठन होती है इनके खिलाफ वारंट जारी कर देती है, FIR होती है, गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इनको इस्तीफा देना पड़ता है बहुत सारे मीडिया के दबाव और भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक दबाव के कारण। माना जाता है कि विजय राजे सिंधिया यानी कि ग्वालियर घराने का भी इसमें कहीं ना कहीं हाथ था, ऐसा इतिहास कहता है, मैं नहीं कहता। 2004 में इनको इस्तीफा देना पड़ता है, उसके बाद इनको रिप्लेस करते हैं बाबूलाल गौर, जो यादव हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से संबंध रखते हैं लेकिन टाइटल में यादव नहीं लिखते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता रहते हैं। और ये इसलिए होता है कि 2003 में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऑल्टरनेटिव चेहरा नहीं दिखता है और बैक वर्ल्ड पॉलिटिक्स खेलने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल गौर को यहाँ का मुख्यमंत्री बना देती है और अगले एक साल में उसके पास मौका होता है कि वो अपना मुख्यमंत्री का चेहरा खोज ले और सामने आ जाते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान, जो तब से लेकर अब तक इस
प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। आप देख रहे थे newsviews360.com खबरें अलग अंदाज में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इस तरह के तमाम इन्फॉर्मेटिव जर्नलिज्म हम करते रहेंगे, आप तक इस तरह की जानकारी पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।